आज गांव कट्टर के अंदर एक लोग आना जाति की लड़ाई किसान हम इकट्ठा हुए हैं जो तीन किसान है दोनों के अंदर रिहा करने की आज मांग की जा रही है। बताते हैं गुरकीरत सिंह नवदीप ये तीन किसान है बताए जा रहे हैं कि जेलों में है और उनको बाहर करने के लिए उनकी रिहाई की मांग को लेकर आज किसानों की जो महापंचायत खट्टर के अंदर है यहाँ पर चल रही है और किसान मजदूर समिति जिंदगी चल रही है देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची और पुरुष भी पहुंचे हैं। शंभु बॉर्डर से भी किसान पहुंचे तमाम जानकारियां से लेने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ आज क्या कुछ मांगे हैं किसान जो हमारे पानी की सरकार कर रहे हैं छुटवा के मांग गांव से किसान पहुंचे आज यहाँ पूरे हरियाणा के पूरे पहुंचे के लिए आज बड़ी महापंचायत रखी है। अगर यहाँ पे कोई खड़ा फैसला लिया जाएगा कुछ फैसला ले सकते हैं किसान आज क्या फैसला हमारे तीन किसान है उनके लिए आई हूँ नीचे क्योंकि एक महीना हो गया 35 दिन हो गए जो हमारे किसान है और जो अपना जो हरियाणा का जो अपना जींद का अनीस खटखड़ है उनके हालात बहुत ना चुके क्योंकि 20 किलो वजन कम हो चुका है। अनशन में बैठे 35 दिन हो गए अगर कुछ भी होगा तो सरकार की जिम्मेवार जल्दी तक अनीस को कब गिरफ्तार किया गया था अनीस को पूरे 35 दिन हो गए 19 तारीख को और भी किसान साथी कोशिश करेंगे आज क्या क्यों आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए किस लिए। देखिए हमारे साथी जो अनीश खटखट नवदीप सिंह और गुरकीर सिंह क्या कसूर था उनका कसूर इतना था वो एमएसपी पर गारंटी का कानून मांगने के लिए दिल्ली के लिए संघर्ष में शामिल हुए थे यही कसूर था स्वामीनाथन जो की रिपोर्ट लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे थे यही कसूर था किसान मजदूर का कर्जा माफी कर रहे थे। लेकिन इस अहंकारी सरकार ने इस तानाशाह सरकार ने उनको बेरहमी से जो है जो हराजत में लेकर टॉर्चर किया तो आज 35 दिन हो गए हैं हमारा भाई अनीस खट्टर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। किसके लिए लड़ रहा है अपने किसान मजदूर समाज के लिए अपने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादों को लागू करवाने के लिए उसके लिए तो आज उसके लिए हमारे जो दोनों मोर्चे हैं संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा उन दोनों मोर्चों ने मिलकर 13 फरवरी से आंदोलन रहते हैं। तो पिछले 9 अप्रैल को जब इनकी गिरफ्तारी के बाद हमारी पंजाब के शीर्ष नेतृत्व जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसके बाद हरियाणा के दोनों के साथ मीटिंग हुई मीटिंग में उन्होंने 16 तारीख तक का सजा मांगा तो हमने अल्टीमेटम दिया अगर 16 दिन तक उनको रिहा नहीं किया जाता तो 17 तारीख को चंबू पर रेलें रोकी जाएंगी। आज 6 दिन हो गए चंबू पर रेलें रोकी हुई तो लेकिन ये अहंकारी सरकार के जीव नहीं रेंग रही हमें मजबूरन हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई यात्रो तंग हो क्योंकि वो भी हमारे अपने हैं लेकिन मजबूरन हमें रेल रोकनी पड़ रही है। तो आज उसी के चलते आज खटखड़ ये वही खटखड़ है जिसके खटकने से सरकारें खटखड़ती हैं इसलिए आज खटखड़ की धरती पर दोनों मोर्चे की और हमारी खाप सरदारी की और लोकल जो जितने गांव के लोग हैं कमेटी है उन सभी ने मिलकर आज यहाँ पर पंचायत रखी है। ये खाली पंचायत नहीं है थोड़ी ही देर में यहाँ से बड़ा ऐलान होगा ऐलान को आज ही लागू किया जाएगा उसका जिम्मेदार आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देते हैं उसके नफे नुकसान के जिम्मेदार हरियाणा प्रशासन होगा हरियाणा सरकार होगी पुलिस प्रशासन होगा जिन्होंने हमारे साथियों को बेकसूर साथियों को जो अभी तक जेलों के अंदर बांधे उनको रिहा नहीं किया। तो आप देखना सरकार से आए हुए हैं मैं सिरसा से लखविंदर सिंह औलख भारतीय किसान एकता स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और पांच मेंबरी कोऑर्डिनेशन कमेटी का इसके अमाउंट क्रिटिकल का मेंबर और आज हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।